आज हम एक मोबाइल रिपेयर करेंगे जो कि सैमसंग कंपनी का है। इसमें दिक्कत क्या है, जिस कस्टमर का था उसने गलती से इसको खोला होगा तो इसकी डिस्प्ले यहाँ पर टूट के अलग हो चुकी है, मतलब डिस्प्ले का पत्ता कट के अलग हो चुका है। अब यहाँ पर हमने दूसरी डिस्प्ले को डालना है, किस तरीके से डालेंगे ये बहुत ही सिंपल मेथड रहेगा इसका, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। हालांकि कीपैड फ़ोन काफ़ी कम चलते हैं लेकिन अभी भी इसकी रिपेयरिंग वगैरह का काम आपको सीख लेना चाहिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं आता तो इसकी डिस्प्ले चेंज करना आप यहाँ पर आप सीख लीजिए। अब यहाँ पर बहुत ही सिंपल मेथड रहेगा इसका, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज हमेशा देता हूँ और आगे देता रहूँगा। वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि और लोगों को सीखने के लिए मिल सके। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले जो इसका पुराना पत्ता है इसको निकालने के लिए आप यहाँ पर ये जो सोल्डरिंग पेस्ट है उसको आप लगा लीजिएगा। अब देखिए जब इसको निकालेंगे उसके बाद कौन सी डिस्प्ले, कितने इसमें पिन की डिस्प्ले लगनी है ये सब आपको मैं बताऊँगा, आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर इसके दो तरीके हैं, या तो फिर आप आयरन की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं, और या आपके पास अगर कोई SMD मशीन है तो उसकी मदद से भी आप इसको निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके का यूज आप इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको निकालने का जो ट्रिक रहेगा, बिल्कुल ऐसे करके आप निकाल सकते हैं इसको, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर इसको इस तरीके से आप घुमा लीजिएगा ताकि इसके नीचे जो ग्लू वगैरह रहता है थोड़ा सा वो ढीला हो जाए। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आप इसको चलाते रहिए और एक एक करके इसको निकालते रहिएगा। आपको क्लोज शॉट दिखाता हूँ, आधा इसको आयरन से निकालूंगा, आधा इसको मैं SMD मशीन की मदद से निकालूंगा। तो जिसको जिसके पास जो चीज़ उपलब्ध हो उससे आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आयरन की मदद से निकालने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर इस तरीके से इसको चलाते रहना है, इसको आप धीरे 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 आगे तक बढ़ाते रहिएगा। ये देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से इसको बढ़ाना है और इस तरीके से इसको जोर से नहीं खींचना है, जोर से नहीं, अगर आप खींचते हैं तो इसके प्रिंट जितने भी होंगे सारे के सारे वो टूट पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको आप निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सारे के सारे इसके प्रिंट बिल्कुल ओके हैं, कोई भी प्रिंट इसका नहीं टूटा है, देख सकते हैं आप, ठीक है। या तो इसको कंप्लीट इसको आयरन से निकाल लीजिए। अब देखिए सोल्डरिंग, कुछ काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो SMD मशीन भी रखते हैं तो उनके लिए भी मैं बताता हूँ। चलिए मैं SMD मशीन की मदद से बताता हूँ। अब यहाँ पर SMD मशीन में आप जो हीटर है, हीटर को आप लगभग 400 पे रख लीजिए और एयर को आप रख लीजिए 3.5 से 4 के बीच में, बस इतना सा आपने करना है। और यहाँ पर आप इसको जस्ट पत्ते के ऊपर रख के आप घुमाते रहिए और पत्ते को उठाते रहिएगा, तो इस तरीके से निकल पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ज़ोर से नहीं खींचना है इसको, धीरे 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 आप इसको निकालेंगे। अगर ज़ोर से खींचते हैं तो समझ लीजिए आपका जो ये पत्ता है वो प्रिंट भी तोड़ देगा। तो इस तरीके से आप इसको पहले ढीला होने दीजिए, उसके बाद इसको खींच के हल्का सा हल्का करके निकालेंगे। तो जो सोल्डरिंग आयरन का मेथड रहेगा वो सबसे बेस्ट यहाँ पर मुझे लगता है, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन से बहुत ही आसान तरीके से निकल जाता है। अब यहाँ पर मैं पहले PCB स्टैंड का इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखिए PCB स्टैंड से आपका मोबाइल एक जगह स्टेबल रह जाता है, तो इसलिए PCB स्टैंड अगर हो तो उसका ही आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, वो आपकी सुविधा के अनुसार। देखिए मैं PCB स्टैंड का यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ अभी, सॉरी। तो चलिए फिर अब इसको मैं निकाल लेता हूँ। अब देखिए कितना देर इसको लगती है। अब काफ़ी सारे लोग सोल्डर आयरन से नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि सोल्डर आयरन से प्रोफेशनल आपको होना चाहिए। सोल्डर आयरन में एक दिक्कत होती है, अगर आपको प्रॉपरली वहाँ पर अगर आपको आइडिया नहीं है तो दिक्कत क्या होगी, उसमें आपके सारे के सारे प्रिंट वहाँ पर टूट पड़ेंगे। तो सोल्डरिंग आयरन में यही दिक्कत सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो आपने इसको प्रॉपरली इस तरीके से घुमाते रहना है और धीरे 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 इसको खींचते हुए उठाते रहना है। देखिए यहाँ पर इसको उठाते रहिएगा तो यहाँ पर ये आसानी से निकल पड़ेगा। तो ये इस तरीके से निकल पड़ा। तो लगभग 3 या 4 पॉइंट मैंने निकाली हैं, अब बाकी मैं इसको सोल्डरिंग आयरन से निकालूंगा क्योंकि वही मुझे बेस्ट मेथड लगता है। तो चलिए अब सोल्डरिंग आयरन से इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना फटाफट इसमें निकल रहा है, तो यहाँ सोल्डरिंग आयरन से ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगता। तो फाइनली इसके सारे के सारे पॉइंट एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा सारे पॉइंट क्लियर हैं, कोई भी पॉइंट इसमें नहीं टूटा। टोटल मिला के बताऊँ तो मुझे सोल्डरिंग आयरन सबसे बेस्ट यहाँ पर लगता है मोबाइल रिपेयरिंग के लिए, मतलब जो बेसिक काम होते हैं उसके लिए, भले वो डिस्प्ले हो, कनेक्टर वगैरह चिपकाना हो और जैक वगैरह चिपकाना हो या फिर निकालना हो,
उसके लिए मुझे सोलर एयर बेस्ट यहाँ पर लगता है। अब इस बोर्ड को या फिर पेट्रोल से या फिर क्लीनर से आप क्लीन कर लीजिएगा। अब चलिए इसको रखता हूँ साइड पे। अब इसमें डिस्प्ले कौन सी डालनी है, सबसे पहले तो इस सेट का मैं मॉडल नंबर आपको बता देता हूँ। इसमें कौन सा मॉडल नंबर, यहाँ पर एक मिनट, इसका जो हाँ ये देखिए यहाँ पर जस्ट इसके लिखा हुआ है, इसका है ZTE 1200Y, ZTE 1200Y। आपको फिर से मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ZTE 1200Y। अब एक मोबाइल मेरे पास पड़ा हुआ है, देखिए मैं ओरिजिनल डिस्प्ले ही डालूँगा। मेरे पास अभी ऐसा तो नहीं कि यार दूसरी डिस्प्ले हो, तो एक पुराना मोबाइल मेरे पास पड़ा हुआ था जो बिल्कुल डेड कंडीशन में है, जिसको अभी रिपेयर तो नहीं करूँगा, अब इसकी ही डिस्प्ले में डाल दूँगा। तो यहाँ पर इसका मॉडल नंबर थोड़ा सा अलग है, बस एक लास्ट एक डिजिट आप देख रहे हैं ना, GTE 1200T है बस, बाकी इसकी डिस्प्ले सेम है, पूरा मॉडल सेम है। तो अब डिस्प्ले की जो है पिन, उनको गिन के आपको बताऊंगा इसमें किस टाइप से यहाँ पर आपको लगाना है। कभी भी आप डिस्प्ले लगाते हैं ना, उसकी पिन वगैरह जरूर गिनिएगा। अब यहाँ पर पिन कैसे गिनते हैं, इसके जो डिस्प्ले का कनेक्टर है उसकी पिन कैसे गिनते हैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है 1, और यहाँ पर क्या लिखा है 32, मतलब इसमें 32 यहाँ पर पॉइंट्स हैं, इसके डिस्प्ले के 32 पॉइंट्स हैं, 1 से लेके 32 तक आप गिन सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसको गिन सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर जो हमने निकाला था उस पर भी बिल्कुल सेम वही लिखा हुआ है, देखिएगा 1 से 32 तक, और बिल्कुल सेम यहाँ पर इसका पूरा डायग्राम भी बना हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जो पुराना आपको पता दिखा देता हूँ, इसमें भी वही लिखा है 1 से, ये देखिए 1 से 32 तक, तो सेम यहाँ पर इसका डिस्प्ले है। तो अब मैं इसी डिस्प्ले को यहाँ पर मैं लगाऊंगा और आपको इसको भी निकालना और लगाना मैं सिखा देता हूँ। अब देखिए निकालने का जो तरीका रहेगा वो बिल्कुल मेरा वही मेथड रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सोल्डरिंग आयरन से। चलिए मैं इसको जल्दी से निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं सक्सेसफुली इस डिस्प्ले को निकाल चुका हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो पॉइंट्स हैं बिल्कुल बिल्कुल जैसे मैंने निकाले थे, एक दूसरे से अटैच भी नहीं है। अब अगर आपको लगता है कहीं पर अटैच है तो इसको आप बिल्कुल छुड़ा लीजिएगा, बिल्कुल ओके है, सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल ओके हैं, कोई भी टूटा नहीं है। अब यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर पेस्ट वगैरह लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, हल्का फुल्का लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर इसको चिपकाना कैसे है, अब यहाँ पर देखिए ये और ये यहाँ पर होल्स बने हुए हैं, बस इनको ही आपने फॉलो करना है, इस होल्स को आपने फॉलो करना है और उसके बाद इस डिस्प्ले को यहाँ पर लगा लेना है। देखिए इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे आप तब जाके आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आप इस बोर्ड पे देखिए एक होल बना है, इस बोर्ड पे यहाँ पर एक होल बना है इस चौखट के अंदर पे को। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा, देखिए इसमें भी एक होल बना है, उसको और उसको आपने मैच करना है इस तरीके से, और दूसरा होल यहाँ पर आपको मैच करना चाहिए इस तरीके से। देखिए दोनों होल एक दूसरे को आप मैच करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप इसको अटैच कर लीजिएगा, डिस्प्ले को इस तरीके से आप अटैच कर लीजिएगा जब होल यहाँ पर मैच कर जाए। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स आप इस तरीके से सोल्डरिंग कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है, और इस तरफ भी स्टार्टिंग में 1-2 पॉइंट्स में सोल्डरिंग कर लेता हूँ, फिर एक एक करके हम इसको आगे को ले चलेंगे। तो यहाँ पर चलिए सोल्डरिंग फिलहाल, हाँ 1-2 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब यहाँ पर सारे के सारे हमने इसको सोल्डरिंग करना है, मेथड बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, अब यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक एक करके आप इसको आगे बढ़ाते हुए चलते रहेंगे, ये देखिएगा इस तरीके से आप इसको बढ़ाते हुए चलते रहेंगे। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट सोल्डिंग नहीं हुआ है तो उसको आप कर लीजिएगा, बस इस तरीके से आपने इसको फॉलो करते रहना है और एक दूसरे से बिल्कुल अटैच हो जाएगा। अब चाहे तो आप इसको इस तरीके से दबाइए और यहाँ पर सोल्डिंग करके इसको इस तरीके से आप ऊपर से दबा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से, बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ और काफ़ी जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए अब शायद आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से हो सकता है काफ़ी लोगों ने नहीं सीखा होगा, लेकिन मेरा तरीका काफ़ी डिफरेंट रहता है, भले वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो भले वो मोबाइल रिपेयरिंग हो, सिखाता हूँ तो बिल्कुल तरीके से सिखाता हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट हमारे सोल्डिंग हो चुके हैं। अब आपको कहीं भी डाउट लगता है कि कोई भी आपका प्रिंट सोल्डिंग नहीं हुआ है तो एक बार उसको अच्छी तरीके से आप इंस्पेक्शन करके उसको रिसोल्ड आप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये दो होल मैंने आपको बताए थे, इन दोनों होल पे बिल्कुल यहाँ पर पिन आर पार जा रही, यहाँ पर देख सकते हैं
यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये आर पार चली गई है, एक यहाँ पर भी होल है उसमें भी आर पार चली गई है। तो इस तरीके से ये होल्स यहाँ पर मिलने चाहिए। अब यहाँ पर मैं बारीकी से एक बार देख लेता हूँ कि कोई पॉइंट यहाँ पर छूटा तो नहीं है। देखिए कोई भी पॉइंट वैसे छूटा तो नहीं है, बस की टेस्टिंग करते हैं उसके बाद इसको मैं पैकिंग करूँगा। चलिए यहाँ पर इस तरीके से इसको अभी पैक नहीं करूँगा, सिर्फ इसकी सिर्फ अभी एक हल्की सी टेस्टिंग लेंगे। ये बैटरी वैसे चालू तो है, इसी से हम टेस्टिंग लेंगे। और इसका पावर बटन हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए अभी भी मेरे को लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है। देखिए यहाँ पर फिर से आपको दिखा देता हूँ, डिस्प्ले में अभी भी मेरे को दिक्कत वहाँ पर लग रही है। इसका मतलब अभी भी कुछ ना कुछ यहाँ पर दिक्कत है, मतलब कोई ना कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं जुड़ पाया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए दिक्कत आ रहा है ना, तो अब देखिए मैं इसको रिसोल्ड करूँगा। अब यहाँ पर हो सकता है कोई पॉइंट यहाँ पर छूट गया हो, तो यहाँ पर फिर से इसको हम रिसोल्ड करेंगे। तो चलिए मैं इसको जल्दी से एक बार फिर से खोल के रिसोल्ड करता हूँ। तो यहाँ पर रिसोल्ड नहीं किया था, बल्कि एक छोटा सा यहाँ पर देखिए यहाँ पर सॉरी यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट एक दूसरे से अटैच था, वहाँ पर क्लियर करना भूल गया था। अब जाके यह बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। चलिए आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए कभी भी एक छोटी छोटी गलती की वजह से आपका फ़ोन दिक्कत कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर सैमसंग GT 1200i जो इसका मॉडल नंबर था वो बिल्कुल आ चुका है। अब यहाँ पर यह प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो है ऑन हो चुका है, बिल्कुल ओरिजिनल यह डिस्प्ले है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब चलिए इसको हम पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पर चाहे तो आप थोड़ा सा क्लीनर वगैरह लगा के आप क्लीन कर सकते हैं। तो क्लीनर लगा के थोड़ा सा यहाँ पर आपके जो जो पॉइंट्स वगैरह हैं वो आसानी से आपको दिख जाएंगे। तो क्लीनर लगा के आप इसको क्लीन ज़रूर कीजिएगा। अब प्रोफेशनल तरीके से हमने इसको सोल्डिंग किया है, तो काफ़ी सारे लोग इसको बता भी नहीं पाएंगे कि आपने सोल्डिंग इतने अच्छी तरीके से करी है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर सोल्डिंग हमने करी है। अब यहाँ पर इसके लॉक लगे हुए हैं, उसके लॉक को हमने इस तरीके से फंसा लेना है। और यहाँ पर दूसरा लॉक हमारा फंस चुका है। अब चलिए इसको हम फिट करते हैं बॉडी पे। तो यहाँ पर इसका माइक यहाँ पर इस तरीके से आना है यहाँ पर, और ये इस तरीके से यहाँ पर अटैच होगा, बिल्कुल फिक्स हो चुका है। चलिए अब इसको बॉडी वगैरह में चढ़ा के इसको बिल्कुल हम पैक कर लेते हैं। इसका स्पीकर यहाँ पर निकल चुका है, एक मिनट, इस तरीके से इसका स्पीकर लगेगा और यहाँ पर इसकी इस तरीके से फिटिंग होगी। चलिए एक बार चेक करवा के दिखा दो, फिर स्क्रू वगैरह मैं लगाते रहूँगा। तो चलिए एक बार फाइनल टचिंग इसी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके हो चुका है आपका मोबाइल। तो दोस्तों आपने काफ़ी कुछ इस वीडियो में सीखा होगा यार। कमेंट नहीं करते आप लोग, लाइक नहीं करते वीडियो को, लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना भाई। कुछ भी नहीं तो आपने कम से कम 20-30% तो सीखा ही होगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक लिए टेक केयर।